मेरा एक अपना तरीका कार बयान करने का कि मैं दौराने बयान नहीं आता किसी को भी आखो सुभान अल्लाह, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। हर एक खतीब का अपना अपना अंदाज है, हर एक आलिम दीन का, ना तो मैं कोई खतीब हाँ ना मैं जुत्ती भी मैं सर ते रखना इजाज समझना जेड़ा वाकई ही आलिम दीन है और बामल आलिम दीन है उन्हें जुत्ती भी मैं अपने सर ते रखना इजाज समझना क्योंकि ये कोई मामूली ओहदा नहीं, कोई मामूली चीज नहीं है। तो हजरत मोहतरम तवज्जो दा मैं मुंतजर रहांगा, सिर्फ एक मेरी गुजारिश है, एक ही अर्ज है, एक तुहाडी अख मेरी अख च होवे, तुहाडा चेहरा मेरे वल्ले होवे, मैनूं पता चले मेरी गल नूं कोई सुणदा बैठा है, तो फिर मैनू भी गल करन दा मजा आवे ते तुहानूं गल सुणन दा मजा आवे। मैं तुहानूं नहीं आखणा आखो सुभान अल्लाह, दिल कर पवे किसी गल ते ते कह दिया जे फायदा होना नुकसान नहीं होना, वरना यह जरूर गल्लां नहीं करनियां, सिर्फ तवज्जो नाल मेरे गुफ्तगू नूं सुनना है। इंशाअल्लाह ताला तुसां इह नहीं आखोगे भी किसी गल का पता नहीं चलिया, इंशाअल्लाह पता भी चलेगा तो लुत्फ भी आएगा तो सुरूर भी आएगा। याद रखिया जी, चंद दे दो टुकड़े करना मेरे नबी दा मौजज़ा, चंद दे दो टुकड़े करना मेरे नबी दा मौजज़ा, फिर चंद नूं इक कर देना मेरे नबी दा मौजज़ा। थोड़े जे बोलोगे ना पता चल जाएगा, सूरज डूबे हुए नूं वापस बुलाना मेरे नबी दा मौजज़ा, दरख्तां नूं आप नहीं दुश्मन नूं आखिया, यहूदी नूं आखिया जा उन्हें दरख्तों नूं कह दे तुहानूं नबी पिया बुलांदा है, दरख्तों दे पैर कोई नहीं, दरख्त इधर उधर झुकियां तेजी दे नाल टुर के नबी दे कदमां विच हाजिर हो गए, मेरे नबी दा मौजज़ा। दुश्मन दे हाथ दे विच कंकर होवे ते नबी उस कंकर नूं आखे ते ओ कंकर बेजान पत्थर दुश्मन दे हाथ च नबी दा कलमा पढ़े नबी दा मौजज़ा। हजरत कतादा अपनी कटी हुई अख नबी दे को लेके आन ते नबी लब ला के सही कर देवे मेरे नबी दा मौजज़ा। पानी खारा होवे कड़वा होवे कुवें दा ते नबी लब पा देन पानी मिठा हो जावे मेरे नबी दा मौजज़ा। जनाबे वाला हजरत अतीक दी पिंडली टुट जावे हुजूर दे कदमां विच हाजिर होण ते मेरे नबी उन्हों रख के ते लुआब ला देन मेरे नबी दा। हजरत अली पाक दी अखां दुख दियां होण मैदाने जहाद कहण मैं नहीं जा सकदा ते नबी बुलाण ते आखण अज मैं उस बंदे दे हथ झंडा देंगा जेड़ा खैबर नूं फतह करके आएगा। तो अली आवे नबी अपने लुआब उन्हां दे अखां विच लाण, अखां ठीक हो जाण मेरे नबी दा। अल्लाह सलामत रखे। अगर इसी तरह सुनोगे तो मैनूं सरूर आएगा गल करन दे अंदर। तो जनाबे वाला मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा मौजज़ा बन के इस कायनात में आए, जितना भी नबी आए हजरत आदम सफीउल्लाह तो लैके हजरत ईसा रूहुल्लाह तक ये मौजज़ा लैके आए, तेरा ते मेरा नबी मौजज़ा लैके नहीं मौजज़ा बन के आए। फिर तवज्जो रखिया जे, मैं अपनी गल दा उनवान बनन लग्या ताकि अगां आसानी होवे समझण वास्ते। जितना भी नबी आए जनाबे आदम सफीउल्लाह तो लैके हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितना भी नबी आए अज उन्हां दे मौजज़ात सिर्फ और सिर्फ किताबां दी हद तक लभणगे, किताबां तक मिलणगे। किताबां तो इलावा कोई बंदा खड़ा होके मैनूं नहीं आख सकदा कि आदम सफीउल्लाह दा फला मौजज़ा नजर आ रहा है। जनाबे हजरत शीश अली सलाम, हजरत नूह अली सलाम, हजरत इदरीस अली सलाम, हजरत हूद अली सलाम, हजरत याकूब अली सलाम, हजरत यूसुफ अली सलाम, जनाबे वाला हजरत ज़करिया अली सलाम, किसी भी नबी दा मौजज़ा आज कोई विखा सकदा नहीं, लेकिन आज भी मेरे नबी दा जिंदा मौजज़ा घर घर दे अंदर मौजूद है, मस्जिद मस्जिद अंदर मौजूद है, थां थां दे उते मेरे नबी दा जिंदा मौजज़ा मौजूद है। और कयामत तक जिन्हों अपने अखां दे नाल वेंदे रहोगे, अखां नूं ठंडा करते रहोगे, ओ कुरान दी सूरत दे अंदर नबी दा मौजज़ा मौजूद है। समझ आ गई?
कुरान मेरे नबी दा, सारे बोलो कुरान मेरे नबी दा, कुरान मेरे नबी दा, कुरान मेरे नबी दा मौजज़ा। और दुनिया दी कोई भी किताब तौरात इंजील जबूर ए आसमानी किताबा ने और चौथी किताब रब दा कुरान ने, लेकिन कुरान तो इलावा तौरात को तारुफ पूछो तौरात तारुफ नहीं कराएगी, इंजील को तारुफ पूछो इंजील तारुफ नहीं कराएगी, जबूर को तारुफ पूछो लेकिन कुरान कुरान। तवज्जो रखोगे तो मैं बड़िया कीमती गल्ला करदा बेटा भी समझ आ जाए। जनाबे वाला याद रखिए जे कुरान मेरे नबी दा जिंदा मौजज़ा है, घर घर दे अंदर मौजूद है और कयामत तक मेरे नबी दा ए मौजज़ा एवें रहना है। इंदी हिफाजत करन वाला, इंदी हिफाजत करन वाला खुद खुदा है, जिंदी हिफाजत खुद खुदा करे उन्हों भला कोई मिटा सकता है, उन्हें कोई कमी बेशी कर सकता है। आज जबूर असली हालत, जबूर असली हालत, इंजील असली हालत, तौरात असली हालत नहीं, लेकिन कुरान आज भी असली हालत अंदर मौजूद है। आज कुरान बुजुर्ग तो लेके जनाबे वाला छोटे जे बच्चे तक उन्हें सीने के अंदर उन्हें अल्फाज महफूज ने, यही तो मेरे नबी का मौजज़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा कहना दे लोगो सुनो, मैं उस कुरान दी गल करन लगिया जिनू भेजन वाला अजमत वाला खुद खुदा है। ए कुरान अजमत वाला क्यों ना होवे, ए कुरान अजमत वाला क्यों ना होवे, ओ कहना दे लोगो सुनो ए कुरान इस बिना दे अजमत वाला वे, क्योंकि इनू भेजन वाला खुद खुदा अजमत वाला, इस कुरान नु लियान वाला जिब्राइल फरिश्तें दा सरदार भी अजमत वाला, जिस नबी ते ए कुरान नाजिल होया वे ओ नबी बड़िया शाना वाला, ओ नबी बड़िया अजमत वाला। कहना दे लोगो सुनो ए कुरान जिस गार दे अंदर नाजिल होया ओ गार बड़ी अजमत वाली है, ए जिस नबी ते नाजिल होया ओ नबी भी बड़ी अजमत वाला, मेरे नबी दे गुलामो ए ओ कुरान ने मेनू कहन दो, ए जिस जबान ते आवे ओ जबान अजमत वाली, ए जिस सीने विच आवे ओ सीना अजमत वाला, ए जिस फट्टी ते रखिया जावे ओ फट्टी अजमत वाली, ए जिस कपड़े दे अंदर लपेटिया जावे ओ कपड़ा दुनिया जहां दे आला तो आला कपड़े तो आला कपड़ा होवे। मैं कह देना जनाबे वाला एक मई टुर के जांदी है मन्नत मंदी है, मौला मेरा फरा कम हो जावे मैं कुरान ते गलाब चढ़ा दियांगी। अल्लाह दी कसम है ओ जाके एक 100 रुपए मीटर आला कपड़ा खरीद के आंदी है, ओ मई आके कुरान दा गलाब बनांदी है, ओ कुरान दा गलाब बनाने तो बाद जनाबे वाला रब दे कुरान ते ओ कपड़ा चढ़ा दें दिए। मैं आखिया ओ भावे बादशाह ने सूट पाया होवे, भावे चीफ जस्टिस ने पाया होवे, भावे वकील ने पाया होवे, ओए उस कपड़े दा मुकाबला ओ नहीं कर सकदा, ओ लख दा होवे ए कख दा होवे, जदों कुरान नाल निस्बत कपड़े दी हो जावे ए 100 रुपए मीटर वाला कपड़ा ए बड़ी असमत वाला। आ जेनू चीफ जस्टिस ने पाया पुराना हो के रूढ़ी ते आया, कुड़ी करकट ते आया, ओनू चुम्मन वाला कोई नहीं, ओनू चुकन वाला कोई नहीं। जनाबे वाला वक्त वजीर आजम क्यों ना पावे, लेकिन चुम्मन वाला कोई नहीं है, ओनू सीने लाण वाला कोई नहीं है, पर ओ मई जेड़ा 100 रुपए मीटर दा कपड़ा खरीद के आई है, आके रब दे कुरान ते गलाब चढ़ाया है। और जदों निस्बत रब दे कुरान नाल होई है अज ओनू बादशाह भी चुकेगा, रब दे कुरान नू पहले कपड़ा चुमेगा, पहले कपड़े नू सीने नाल लाएगा, ते फिर मेनू आखण दो ओ कपड़ा बड़ी अजमत वाला, जिस कपड़े दी निस्बत कुरान नाल हो जावे ओ फट्टी बड़ी अजमत वाली है, जिस फट्टी ते रब दा कुरान खुल जावे। आए मुसलमानो ओ जबान बड़ी अजमत वाली, जेड़ी अजमत वाली बन गई है इस जबान ते रब दा कुरान पढ़िया जा रहा वे। आए ओ सीना बड़ी अजमत शाना वाला, जेड़ी सीने दे अंदर रब दा कुरान महफूज है,
हथ बड़ी अजमत वाले जिन्हों के हथा के अंदर कुरान आ गया है। आ सुनो कैनात दे लोगो, मेरे नबी दा ऐ जिंदा मौजा कुरान दी सूरत अंदर मौजूद है। अगर रब द कुरान पढ़ के वेखो, आओ रब द कुरान नु पढ़ के वेनिया, आओ रब द कुरान दा तारुफ तुहानू मैं करांदा चला जावा। मैं रब कोलो पुछिया रब द कलाम कोलो, ऐ रब द कलाम ए ते दस दे तेरा नाम की है। समझ आ रही है? मैं रब दे कुरान को पुछया, ऐ रब दा कुरान अज अपना तारुफ करा के जा, ऐ ते दस के जा तेरा ना की है। रब दा कुरान कहंदा है बल हुआ कुरान मजीद। कुरान अपना तारुफ करवा रहे है, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहे महफूज। मैं रब दे कुरान को पुछया, ऐ रब दे कुरान ऐ ते दस दे तेनू भेजण वाला कौन है, तेनू भेजण वाला, तेनू भेजण वाला कौन है। रब दे कुरान फरमाया तंजीलुम रब्बिल आलमीन, मेनू भेजण वाला रब्बुल आलमीन ने। मैं रब दे कुरान को पुछया, ऐ कुरान केंदे उते नाजल होया में। रब दे कुरान फरमाया नुज़िल अला मुहम्मद। मैं नबी ते नाजिल होया, जनाबे वाला सुनो सुनो, मैं पुछया ऐ रब दे कुरान इस कैनात च आया है लेकिन केंदे वास्ते आया है। रब दे कुरान फरमाया हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत वास्ते, मैं इंसानों की हिदायत वास्ते आया। मैं रब दे कुरान को पुछया ऐ रब दे कुरान तू केड़े महीने आया है, तू केड़े महीने आया है, तू किस महीने आया है। रब दे कुरान ने दसिया शहरु रमदान अल्लज़ी उंज़िला फीहिल कुरआनु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह सलामत रखे जनाबे वाला, मैं रब दा कुरान पढ़दा बैठा बड़ा सुरूर आना चाहिदा है। अल्लाह दी कसम है रब दे कुरान आख्या, मैं रमजान दे महीने दे अंदर नाजिल होया। मैं रब दे कुरान को पुछया ऐ रब दे कुरान ते दस दिन नु आया से रात नु। इन्ना अरसलनाहु फी लैलतुल कद्र, रब दे कुरान आख्या मैं लैलतुल कद्र दी रात दे अंदर आया। फिर मैनु आखण दो जिस रात दे अंदर कुरान आया और रात बड़ी इज्मत वाली, जिस महीने कुरान आया और महीना बड़ी इज्मत वाला, जिस नबी ते कुरान आया और नबी बड़ी इज्मत वाला, जिस सीने विच कुरान आया और सीना बड़ी इज्मत वाला। अल्लाह अकबर कबीरा, कायनात दे लोगो सुनो, अल्लाह ने अपने इस लारेब किताब कुरान मजीद फुरकारे हमीद इस कैनात दे अंदर भेजिया। मेरे नबी दे गुलामो सुनो, एक मर्तबा हजरत ख्वाजा ख्वाजगान फरमान लगे एक ओ भी बंदा वे गुनाह करन वाला ज्यादती करन वाला आ मर गया। लोगों वेख्या ख्वाब दे अंदर ओ जन्नत दे बागां दी सैल करन वाला, ओ जन्नत दे बागां दे विच जान वाला। आपने फरमाया ओ बेलिया जन्नत किवें लभ गई हो? आखन लगिया होर ते कुछ नहीं करदा, जदों रब दा कुरान बेंद
ਦਾ ਸਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੇਂਦਾ ਸਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੇਂਦਾ ਸਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣ ਗਈ ਏ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਟੁਰਦੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਆਪਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਣਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੁੰਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਉਠਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਐਸ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਫਾ ਅੱਲਾ ਹੋ ਕਾ ਬੀ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਈ ਜਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਏ ਰੱਬ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਏ ਅਸਾਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਏ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਇਬਾਦਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਇਬਾਦਤ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਏ ਜਿਹਨਾ ਇੱਕ ਹਰਫ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਰੱਬ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ 10 ਦਰਜਾਤ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ 10 ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ ਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲੋਗੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਫਾਤ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਜਣਿਓ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਪੜਦਾ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਏ ਕੋਈ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂਗਰ ਏ ਕੋਈ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਸਰ ਏ ਕੋਈ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਮਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬੀਬ ਨੇ ਇਹ ਹਕਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਦੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕੋ ਵੀ ਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਅਜਬ ਅਜਬ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਏ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਕਰਦਾ ਏ ਦਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਮਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਗਾਂਹ ਗਾਂਹ ਪੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
एक रिवायत तो पता चल दवे मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामो सुनो जरा तवज्जो मेरे वार रखिया जे एक रिवायत चांदा है जम्मात अपने कबीले तो टुरिया टुरदियां 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 मेरे नबी दे कोल आया आके आंदा है मेहरबानी कर एक गल करना चाहना अगर तुहाडे उत्ते जिन्ना दा असर है अगर तुहाडे उत्ते जादू है अगर तुहाडे उत्ते कोई इस तरह दा मसला है मैं मुफ्त दे अंदर दम कर दियांगा मैं तुहाडे कोलो कीमत नहीं लैंदा मेरे नबी मुस्कुरा पए ने मेरे नबी दी लबां ते मुस्कुराहट आई है आ मेरे नबी फरमाया समाद ठीक है आ मेरे करीबा जिहड़ा रब दा कुरान मैं पढ़ना लोकां दे ने जादूगर लोग मैनूं जादूगर कहंदे ने लोग कहंदे ने जिन्ना दा असर आए लोग इन दियां गल्लां करदे ने समाद तू मेरे कोल आ और रब दा कुरान मैं पढ़ना अगर जादू मैनूं होवे दम तू कर दई जे असर तेनूं होएगा दम मैं मुहम्मद कर दियांगा अल्लाह अकबर कबीरा ए हुण जम्माद आखण लगे बिल्कुल सच आखिया जे तुसां बिल्कुल सोहणी गल कीती है बिल्कुल ठीक है मेरे नबी फरमाया जम्माद हुण इस पत्थर दे उत्ते खलो जा मैं नबी रब दा कुरान पढ़ना मैं नबी रब दा अल्लाह अकबर कबीरा सुनो नबी दे गुलामो यकीनन मेरा वजद कहंदा है मेरे नबी पढ़िया होएगा यासीन वल कुरान अल हकीम मेरे नबी पढ़िया होएगा अर्रहमान अल्लमल कुरआन और मेरे नबी पढ़िया होएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारियां तारीफां दा मालिक सारियां तारीफां दा मालिक मैं क्या अल्लाह दे नाम उच्ची लिया करो मैनू दुख आउंदा है अल्लाह दे बंदे हो जे रब दा नाम नहीं लेना फिर किहदा नाम लेना जे अज गज वज के उहदा नाम लो उहने बख्शणा है उहने माफ करना है उहने जन्नत देनी है उहने अदाबे कबर दूर करना है उहने मौत च आसानी पैदा करनी है उहने जिंदगी देनी है जिंदगी तो बाद मौत देनी है मौत तो बाद दोबारा जिंदगी देनी है फिर हिसाब किताब भी करना है ते सुनो तमाम तारीफ दा मालिक सारे बोलो तमाम तारीफां दा मालिक तमाम तारीफां दा मालिक अल्लाह 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 मेरे नबी ने पढ़िया होएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे नबी पढ़िया होएगा अर्रहमान अल्लमल कुरआन मेरे नबी पढ़िया होएगा जनाबे वाला अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون जमा थले उतर आया आके नबी दे कदमों में बह गया आखे कैनात दे लोग झूठ बोलते ने तुस सच्चे हो ए जादू नहीं है ए कोई होर चीज है जल्दी कर बाकी गल्ला बात दिया ने पहले मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो
रब द कुरान कोई मामूली चीज नहीं है। और जनाबे वाला उमर पाक अगर नबी दा दुश्मन बन के तलवार नंगी कट के नबी नो इस बिना दे उते जनाबे वाला धमकिया देंदा होया जावे आज मैं नबी दा कम तमाम कर दियांगा। और जदो जाके रब द कुरान सुनिया जदो अपने घर जाके रब दा ते उमर दा गुस्सा उमर दा गुस्सा मैं उधर नहीं जाना चाहता जनाबे वाला मेरे नबी दे कदमों में आया उमर भी कुरान सुन के आया जनाबे वाला सुनो जिन्हें कुरान दा अदब किता है रब शाना कितना अता कितिया ने थक गयो ते बस करी लगदा थक गए क्या बात माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे या रसूल अल्लाह यार अल्लाह सलामत रखे अल्लाह अकबर कबीरा सुनो नबी दे गुलामो जिन्हें नबी दे कुरान दा अदब कीता मेरे नबी दा सहाबी है घर कच्चा है मकान कच्चा है घर दे अंदर रब दा कुरान मौजूद है घर दे अंदर रब दा कुरान मौजूद है बारिश आ गई बारिश तेज है घर दे अंदर छत कच्ची है पानी वगना शुरू हो गया पानी दे कतरा डिगने शुरू हो गए और जनाबे वाला ना ते कम दी फिकर है ना सामान खराब होने दी फिकर है ना किसी चीज दे खराब होने दी फिकर है हुण मियां बीवी उठ के कहन लगे कुछ होंदा है हो जावे मकान डिगदा है डिग जावे और छत डिगदी है जाके डिग जावे साडे घर दा सारा समान खराब होंदा हो जावे पर रब दे कुरान दी बेअदबी ना होवे पर रब दे कुरान दी बेअदबी ना होवे जनाबे वाला हुण बारिश तेज होई है कदी मियां जनाबे वाला कुरान नु चुके कदी बीवी कुरान नु चुके हुण चुकदियां हुणे बारिश रुकदी है हुणे बारिश रुकदी है पर बारिश रुकी जदों बारिश नहीं रुकी नाल यहूदियां दा घर ओ कहन लग्या इन करने आ मिन्नत कर लेने आ इन्हां दा घर मजबूत है छत मजबूत है मेहरबानी करके ए साडा तोहफा रब दा कुरान अपने घर दे अंदर बतौरे अमानत रख देण जदों बारिश रुक जाएगी कुरान असी ले जांगे जनाबे वाला दरवाजे ते दस्तक दिती अंदर यहूदन निकली आखन लगी कौन आख्या मैं तेरे नाल दा हमसाया मुसलमान आ एक अमानत रखण आया मेहरबानी कर जदों बारिश थम जाएगी बारिश दे कतरे रुक जाणगे मैं अपनी अमानत अपने घर ले जावांगा इतना देर ए अमानत घर दे अंदर रख दे तेरी मेहरबानी होएगी जितनी देर बारिश नहीं रुकदी क्योंकि घर की छत एक कमजोर है कच्ची है वगदी पई है पानी दे कतरे नहीं रुकदे जनाबे वाला यहूदन ने रब दा कुरान पकड़ लिया अपने घर दे अंदर लेके गई है इसी दौरान यहूदी आ गया आके आखन लगया ए दस की है आख्या ए कुरान है जिवें साडे नबी जनाबे मूसा कलीमुल्ला ते अल्लाह ने तौरात नाजिल कीती है एवें नबी दे गुलामां ते नबी दे गुलामां वास्ते अल्लाह ने अपने आखरी नबी मुहम्मद अरबी दे उते कुरान नाजिल कीता है की नाजिल कीता है उच्चे बोलो की नाजिल कीता है कुरान नाजिल कीता वे हुण यहूदी आखण लगया ओ कमलीए कुरान ते फड़िया ही पर पुछई कुरान दा अदब किन करना है यहूदी पियांदा है उन्हें आख्या माजर चानिया मैं नहीं पुछ सकी आखे चल इन मगरब बल्ले लैके रख हो सकता है मुसलमान अपने कुरान इधर रखते हार यहूदन कुरान चुक के जनाबे वाला मगरब वाले पासे रख दिए यहूदियां दे उठ उठ जल्दी कर इत्थे नहीं रखना हो सकता है इत्थे असां बेअदबी कर बैठिए मुसलमान शमाल दी जानिब रखते हार हुण यहूदन कुरान उठा के ए जनाबे वाला शमाल दी जानिब जा
जांदी है हाले रखण दा इरादा कीता है यहूदी आंदा इत्थे भी नहीं रखना हो सकदा है मुसलमान जनूब दी तरफ इधर रब दा कुरान रख दे होण जनाबे वाला मई कुरान लेके उधर गई है आंदा इत्थे भी नहीं रखना गलती कर बैठे हाँ असी पुछ नहीं सके इस कुरान दा अदब किन करना है इनू रखना कित्थे वे इनू किस तरह रखना वे आंदा इन कर हुण फिर आपा इन करने आ अद्धी रात रब दा कुरान सिर ते तू रखेगी अद्धी रात रब दा कुरान सिर ते मैं रख के रात गुजारा अद्धी रात रब दा कुरान तू अपने सर ते रख अद्धी रात रब दा कुरान मैं अपने सर ते रखांगा अल्लाह अकबर कबीरा ऐ घर यहूदियां दा है लेकिन कुरान दा अदब हो रहा है जनाबे वाला रात ढलदी जा रही है रात मुकदी जा रही है कदी यहूदी अपने सर ते रखदा है ते कदी यहूदन अपने सर ते रब दा कुरान रख के ओ कुरान दा अदब पे करदे ने अल्लाह फरमाया जिब्राईल मौला हुक्म होवे फरमाया जल्दी कर मेरे नबी कोल पहुंच और मेरे नबी नू दस दे रब प्या फरमांदा है अबू बकर भी तेरे दर ते आया उमर भी तेरे दर ते आया आके कलमा पढ़िया पर अज उठो मेहरबानी करो ए यहूदी ते यहूदन ने अज मेरे किताब कुरान दा अदब कीता वे अज टुर के नहीं आणगे ओ मदीने वालिया अज तू टुर के जा और जाके उन्होंने घर कलमा पढ़ा के आ और तू जा जाके उथे कलमा पढ़ा के आ मेरे मुस्तफा करीम जनाबे वाला टुरदिया जदों दरवाजे दे कोल गए ने आ यहूदी यहूदन नु आखण लगे आ वेख चौदहवीं दे चन वर्गा सोना नबी पियां दई आखिर रात जनी जियारत कर दे रहे हैं ओ नबी प्यां दई मेहरबानी कर जल्दी दे नाल टुरदी चल अल्लाह दी कसम है मेरे नबी गए ने आ फरमाया सुनो पहले तुसा यहूदी सी मुसलमान ने सी जड़ा रात कुरान दा अदब कीता जे अल्लाह ने मैं नबी नु भेजिया है मैं तुहानू कलमा पढ़ाण आया यार अगर यहूदी कुरान दा अदब करे रब ईमान दी दौलत देवे जे तू और मैं कुरान दा अदब करिए जनाबे वाला साडे घर दे अंदर कितने दिन दे कुरान मौजूद ने असी उठा के पढ़ ना सके अज कुरान नू असी मखसूस करके रखिया है बंदा मर्द ना होवे ओंदे कोल जाके पढ़ना शुरू कर देने आ मरीज आवे ओंदे कोल आके पढ़ना शुरू कर देने आ बंदे दी जान ना निकलदी होवे असा क्या यासीन पढ़ो बंदा मर जावे असा ने कब्र ते जाके थोड़ी देर वास्ते कुरान पढ़ के आओ जनाबे वाला माजरत चाना बीमार होवे असा कुरान नु इतना मखसूस कर दिता असा दम दरूद दिकर कुरान नु रखे आए असी कुरान नु समझा नहीं असी कुरान नु पढ़िया नहीं असी कुरान नु वेख्या नहीं असी कुरान नु समझण दी कोशिश नहीं कीती आ कमलिया रब दा कुरान ते होवे जिहड़ा तेरे वास्ते हिदायत दा रस्ता लेके आया तेरे वास्ते बख्शिश दा रस्ता लेके आया लेकिन साला साल हो गए असी रब दा कुरान उठा के ना वेख्या जिंदगियां गुजर गईयां असी रब दा कुरान उठा के ना वेख्या मस्जिद च कुरान मुंतजिर रे घर दे अंदर कुरान मुंतजिर रे मेनू किस दिन पढ़णगे मेरी तिलावत किस दिन करणगे मेनू किस दिन वेखणगे किस दिन मेरी ज़ियारत करन नू आणगे जरा बेवाला सुनो कैनात दे लोगो अल्लाह ने अपने महबूब प्यारे नो ए कुरान अता फरमाया और मेरे नबी दा जिंदा मौजजा मेरे नबी दा जिंदा मौजजा आवाज घट आई है ते मैं तकरीर खत्म कर देनी जी हाले ते मैं शुरू होया ते तुहाडी कफियत ते की बनेगा हैं जे ते मैं अपने मौजू तो हटिया ते फिर ते तुहाडा हक बनदा है अल्लाह अकबर कबीरा जनाबे वाला सुनो कैनात दे लोगो सुनो मैं तुहानू दसदा चला जावा और रब दा कुरान है अल्लाह ने जिस कुरान दे अंदर अपने नबी दी अजमत भी बयान फरमाई अपने नबी दी शान भी बयान फरमाई अपने नबी दा मकाम भी बयान फरमाया अल्लाह दी कसम है कुरान अज़ीम
किताब है कुरान ओ वहद किताब है जिनू पढ़दा जा पढ़दा जा पढ़दा जा पढ़दा जा पढ़दा जा पढ़दा जा थकना नहीं तकलीफ नहीं होनी कायनात दी कोई किताब उठा लो एक दफा पढ़ोगे ते दिल नहीं करेगा लेकिन कुरान ने ओ मौजज़ा वे इनू एक दफा पढ़ दिल करदा फिर दिल करदा है दिल करदा है दिल करदा है क्योंकि इन अंदर इत्मीनान है सुकून है मोहब्बत है प्यार है कहना दिलों को सुनो मैं तुम्हें दसदा चला जावा ए ओ रब दे कुरान है अगर मैं रब दे कुरान को पूछिया ए रब दे कुरान मैनू जरा ऐत दसना मेरे मुस्तफा करीम दे चेहरे दा जिक्र किथे वे दस दिया मैं रब दे कुरान को पूछिया रब दे कुरान ने मैनू दसिया वत्तुहा मेरे नबी दे चेहरे दा जिक्र है अगर नबी दी ज़ुल्फां दी गल लईए इसी रब दे कुरान ने फरमाया वल्लैल इदा सजा अगर जनाबे वाला मैं उस नबी दी गल करन लगिया अगर मेरे नबी दे सीने दी गल लईए रब दे कुरान ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक अगर जनाबे वाला मेरे नबी दे हत्थां दी गल लईए रब दे कुरान आख्या यदुल्लाह फौक अईदीहिम अगर मेरे नबी दी बोलन दी गल लई मेरे नबी दी ज़बान दी गल लई रब दा कुरान आखे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा जनाबे वाला मेरे नबी दे कुंडल दी गल लई रब दे कुरान ने किया हामी कुंडला वाले अगर जनाबे वाला मेरे नबी दी कमली दी गल लईए चादर दी गल लईए रब दे कुरान ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल अगर मेरे नबी दे कंबल दी गल लईए ते रब दे कुरान ने फरमाया या अय्युहल मुद्दसिर सुन नबी दा गुलामा अगर मेरे नबी दे आन दी गल लईए मैं कुरान पढ़दा बैठा कुरान पढ़दा बैठा कुरान फरमाया आद जा अकुम मिनल्लाह नूरु व किताबुम मुबीन अगर जनाबे वाला मेरे नबी दी रहमत दी गल लईए रब दे कुरान को मैं पूछिया रब दे कुरान फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन अल्लाह अकबर कबीरा जे कुरान पढ़ के सुभान अल्लाह नहीं आखनी फिर पता नहीं तुसा किथे बोलना ते की सुनना चाहते हो सुनो अगर मेरे नबी दे शहर दी गल लईए मैं रब दे कुरान को पुछिया रब दा कुरान फरमान लगिया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद जनाबे वाला सुनिया जे अगर मेरे नबी दे ज़माने दी गल लईए रब दे कुरान ने फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसर अगर जनाबे वाला मेरे नबी दी कौसर दी गल लईए रब दे कुरान उठा के वेखो रब दे कुरान फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर अगर पढ़ा कुरान जे रब दे कुरान को पुछया नबी दी खत्मे नबूवत दा जिक्र किथे वे तेरे मेरे अकीदे दी गल आ गई है और रब दा कुरान पढ़ने वाले हो सुनो सुनो रब दे कुरान ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम रिजालिकुम वला
ذکر رسول اللہ ہی وخاتم النبیین. جناب والا سنو او کہنا دلو گو او رب دا قرآن جنے ایک گھر دے اندر میرے نبی دی شان موجود ہے میرے نبی دے غلامو سنو میں اس قرآن دی گل کرن لگیا ایک مرتبہ میرے نبی تشریف فرمانے فرما میرے صحابہ سنو اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے اگر کوئی بندہ سورت اخلاص پڑے فرمایا 10 مرتبہ پڑے گا رب جنت دے اندر اوندا گھر بنا دے گا. جناب عمر بول اٹھے عمر عرض کر دے رہے مولا جے اے گلے ایمیں تے کئی جنت تے گھر بن جانگے اور کئیاں تے محل تے بنگلے بن جانگے. اللہ فرمایا آ جناب والا رب دی رحمت نو ویکھو میرے مصطفیٰ کریم فرمان لگے عمر سن عمر سن عمر سن اللہ دی رحمت اس تو بھی زیادہ وسیع. اس واسطے میرے نبی فرمایا اپنے گھر نو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھر نو ویران نہ کرو. آپ فرمایا اپنے گھر دے اندر شیطان دا بسیرا نہ لو. جدو جناب والا صحابہ پوچھیا میرے نبی فرمایا اور جس گھر دے اندر رب دا قرآن نہ پڑھیا جاوے او قبرستان ہے. جس گھر دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت نہ ہو بھی او گھر قبر غستان بڑھ جاندہ ہے. جناب والا او گھر ویران ہو جاندہ ہے. اس گھر دے اندر جنات بسیرا کر دینے اس گھر دے اندر جناب والا سکون ختم ہو جاندہ ہے. اس گھر دے اندر امن ختم ہو جاندہ ہے. اس گھر دے اندر رزق دی برکت ختم ہو جاندی ہے. جناب والا اس گھر دے اندر جنات ڈیرا لا کے شیطان ڈیرا لا کے کدی باپ نو لڑایا کدی ماں نو لڑایا کدی پرا نو لڑایا کدی بچے نو لڑایا. اوئے جتھے رب دا قرآن پڑھیا جاوے میں کہ جتھے رب دا قرآن میں کہ جتھے رب دا قرآن سن نبی دا غلام میں تینوں دستا چلا جاواں اوئے جتھے رب دا قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے پھر ہوندا کی اے اوتھے ہوندا کی اے. میں تصور جا کے گل کرنا چاہنا جناب والا توجہ رکھیا جے اج تو کئی سال پیچھے چلے جاؤ ہر گھر دے وچوں رب دے قرآن دے پڑھن دی آواز آندی سی رب دے قرآن دی اممہ قرآن پڑھ دی پئی ہے اببہ قرآن پڑھ دا پی آئے پیرا قرآن پڑھ دا پی آئے بچی قرآن پڑھ دی پئی ہے. لیکن آجو گھر کتھے تلاش کرا آجو گھر کتھو لبا جتھے مئی اٹا بھی گوندے تے رب دا قرآن پڑھے آج مئی جناب والا دہی بھی بناوے تے رب دا قرآن اور لسی بھی بناوے تے رب دا قرآن پڑھے روٹی بھی لاوے تے رب دا قرآن پڑھے. ایک مئی صاحبہ جناب والا اپنے خامن نو تہجد ٹائم جگان والی تھگے الحمدللہ میں بالکل نہیں تھکے خدا دی قسم ہے میں ہون دسن لگے دسنا نہیں چاہیدا میں پتہ ہے کتنا تقریر کر لئیے 52 منٹ تقریر میں کر لئیے تمہیں پتہ چلے دیکھ کے ساج میں گیا. اللہ اکبر کبیرہ ایک او بھی مئی صاحب ہے جناب والا سن نبی دا غلامہ جڑی اپنے خامن نو بیدار کر دیئے کہنی اٹھ تہجد پڑھ اٹھ. جناب والا ایک دن خامن نو آن دیئے جڑی تو تہجد پڑھنا ہے اندے وچ میں بڑی کاوش کرنی ہوں تے تو تہجد پڑھنا ہے. آکھن لگیا چل اپنی محنت لے کے ٹر جا مینوں تیری محنت دی ضرورت. انہیں کہ ویکھ لے انہیں کہ نہیں لے جا میں کیڑے تینوں منع کیتا ہے میں تے اپنی مرضی نال اٹھ کے تہجد پڑھنا تو کیڑا کچھ کرنی ہے. انہیں کہ چل ٹھیک ہے. ایک دن ہویا جنے دی تہجد گئی دوسرا دن ہویا تہجد گئی تیجا دن ہویا تہجد گئی چوتھا دن ہویا تہجد. رو کے کہندا ہے سچ دس بظاہر کوئی چیز بھی نہیں کڈی بظاہر کوئی انج دا کام ہی نہیں کیتا تے پھر دس میں تہجد تو محروم کیوں ہاں. مائی بول اٹھی آکھے اگے جڑی روٹی کھواندی سا نا پہلے وضو کردی سا پھر بسم اللہ پڑھ کے روٹی پکا کے تینوں کھواندی سا تے نالے دعا کردی سا مولا
इंदे विच तकवीयत ते ताकत ते मेरा खामन तहज्जुद गुजार भी बन जावे, इबादत गुजार भी बन जावे। उन्हें क्या जिस दिन का तू आखे ना अपना हिस्सा चुक ले, मैं उस दिन का बगैर वजू तो अट्टा गुंदी है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़िए रोटी लइए ते उस दिन हुस्न दी बदौलत तेनू तौफीक नहीं मिली होनी। मैं बहुत बड़ा पैगाम दे रहा, मैसेज दे रहा यारो, अगर एक मई बगैर वजू तो आटा गूंदे रोटी पकांदे बिस्मिल्लाह ना पड़े उंदी नहुसत होवे घर नमाज तो महरूम हो जावे, ते अज ते घर घर च नहुसत है। माजरत दे नाल अगर किसी दी दिल आजारी हो तो मैं पहले हाथ जोड़ के माफी मांग लेना, लेकिन अज घर घर नहुसत है। वजह की है क्योंकि हुण घर दे अंदर रब दा कुरान पढ़ने ही कोई नहीं जा रहा, पढ़ना ते दूरे वेखदे नहीं। और एक मौलवी साहब किसी दे घर गए और उत्थे जाके जनाबे वाला उन्होंने दुआ मंगी, दुआ मंग के चले गए। उन्हें घर वाले दे कुरान दे विच ना पैसे रखे हुए सी, पक्का चलिया या कोई हवा का झोंका आया पैसे थले डिगे, ते मौलवी साहब ने वेखे ना पैसे डिगे पे ने, उन्हें सारे चुक के ते कुरान दे थले रख दिते, भाई सुबह जो कुरान खोलन गया पे चुक लेंगे। तवज्जो रखिया जे, जो सुबह कुरान ते पढ़ते होंगे घर वाले, जो कुरान उठान गए थले पैसे पे होंगे अपने चुक लेंगे। मौलवी साहब तुर के चले गए, हुण उन्हें बंदियों नूं कहना शुरू कर दिता मौलवी पिछे मेरी नमाज नहीं होंदी, मौलवी चोर है, साढ़े घर दुआ मंगण आया सी साढ़े पैसे चोरी कर गया, साढ़े पैसे नहीं लभे। साल गुजर गया इस गल नूं, साल फिर मौलवी की जरूरत पई जांदी है, साल फिर बाद पता चलिया ना उन्हें मौलवी साहब ने पूछा यार की गल है तो मेरे नाल मुंह बनाया है, ना तू नमाज पढ़ना है ना तू सलाम करना है ना मेरे कोल बहना है। उन्हें कहा यार मौलवी साहब गल सीधी है, तू चोर बंदा है, पिछले साल तेन दुआवे से मंगवाया सी तू साढ़े पैसे चोरी करके नस गए, इस तो बाद मेरा दिल ही नहीं मनता। उन्हें कहा है अफसोस लगता है साल हो गया तुम कुरान उठाया ही नहीं, लगता साल हो गए तुम रब का कुरान ही नहीं चुकया। उन्हें कहा मौलवी साहब मैं समझ नहीं गल होर हो रही है, तुम गल किधर मोड़ना चाहते हो। आखिया चल मेरे नाल, जो गए ना आखिया उठाओ रब दा कुरान जेड़ा सामने रखिए, जो कुरान चुकिया ना आखिया नु उठा, जो कुरान उठाया थले पैसे मौजूद ने। आखिया बदबख्ता मैं ते समझा सी तू कुरान उठाता होएगा कुरान पढ़ता होएगा, ए साल हो गए तू कुरान चुक के नहीं देखिया, जे कुरान पढ़िया होंदा तेन पता होंदा पैसे तेरे महफूज पे। साढ़े हालात ऐसे बन चुके हैं यार, साढ़े घर के अंदर कुरान रखे जरूर है लेकिन पढ़ने वास्ते नहीं, झूठी कसम खानी होवे मुसलमान तोड़ के जाता है पहले कुरान चुकता है, 100 रुपए का रौला बन जावे मुसलमान दौड़ के पहले कुरान चुक जाए और सिर ते रख के कहना अल्लाह की कसम है कुरान की कसम है ये चीज मेरी है। और मैं क्या कुरान कसम वास्ते नहीं आया, कुरान सर ते रखन वास्ते नहीं आया, आज बच्ची का ब्याह करने आ तुंदे सिर ते कुरान कहना है जा पुत्रा मैं इंदे सपर्द किया, मैं क्या गलत कर ले उस बच्ची नु आख पुत्रा ये कुरान तेन देन चलिया उथे जाके पढ़ी भी इंदी तफसीर भी पढ़ी इन समझी भी सही कुरान आंदा की। फिर वेखी तेरी बच्ची का घर अमन का गवारा बनता कि नहीं, मुहब्बत का गवारा बनता कि नहीं, प्यार का गवारा बनता कि नहीं। लेकिन अफसोस इस चीज का वे कुरान रखे है, माजरत के नाल मेरे अल्फाज बड़े सख्त ने, सुबह उठ के मेरी बेटी मेरी मां खुदा दी कसम है अपने घर के अंदर एडी वड्डी रखी हुई टीवी LCD ओंदे ते ते शीशे साफ करने वास्ते कपड़ा मौजूद है, लेकिन रब का कुरान कितना सालों तो मुंतजिर है, ओंदे गलाफ ते कितना कट्टा मिट्टी लगी हुई है और टीवी नु साफ करने वाले आ तेनू खुदा दा वास्ते ही कभी रब का कुरान भी साफ करके वे, रब का कुरान मुंतजिर है कितना उन्दे ते कट्टा ते मट्टी लगी हुई है लेकिन मुसलमान उन्हें साफ करना गवारा नहीं करता। आए घर ते दूर दी गल है, चल मस्जिद ते तेनू विखाना हुण ते मस्जिद दे कुरान ते भी मट्टी लगी पई है। मुंतजिर ने मैनू कभी पढ़ना आएगा कोई? आज नौजवान मोबाइल और नौजवान मोबाइल और नौजवान, अफसोस इस चीज का वे अगे बुजुर्ग उड़ते सन नौजवान उड़ते सन, सब तो पहले उन्होंने हाथ में रब का कलाम होता सी, लेकिन आज नौजवान रात को सोने तो बाद सब तो पहले किस चीज का दीदार करता है। सच दसना है झूठ नहीं बोलना, नबी दी महफिल च बैठे हो सब तो पहले अस किस चीज़ नूं वेने आ,
मोबाइल कोई मैसेज कोई पैगाम कोई मिस कॉल वगैरह किसी ने कॉल न की होवे ए अखबार नु पढ़ने वाले आ मैसेज नु देखण वाले आ दोस्तों दे पैगाम पढ़ने वाले आ ए ना तेनु अखबार ने बचाणा ई ना मैसेज ते मिस कॉल ने बचाणा ई अगर किसी चीज ने बचाना ते रब दे कुरान ने बचाणा ई हां रब दे कुरान नाल इतना मोहब्बत कर रब दे कुरान नाल इतना प्यार कर रब दे कुरान नु इतना जगह दे मैं कहूंगा तेरी सुबह होवे ते कुरान सीने नाल तेरी सुबह होवे कईयों दे सहने चाहेगा यार मैं ते कुरान पढ़िया नहीं मैं क्या जे पढ़िया नहीं तां भी रब आसानी कर छड़ीए तू सिर्फ कुरान नु वेख ले तां भी सवाब है तो कुरान नु सुन ले तां भी सवाब है तो कुरान नु चुम ले बोल यही वजह जनाबे वाला तवज्जो रखे जे मेरे नबी दे गुलामो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया हाफिज कुरान दे वालदैन नु बस कर दी मैं को नहीं थकना तवज्जो रखे जे जनाबे वाला हाफिज कुरान दे सर दे उते ताज रखे जाएगा ताज अंबिया भी पुछणगे फरिश्ते भी पुछणगे या अल्लाह कौन मुअज्जिज़ है ए कौन है जिनू जन्नत दे अंदर जिने सर ते ताज सजा छड़े अल्लाह फरमाएगा ओ मलाइका ओ फरिश्तो सुनो ए कोई होर नहीं है इन्हें दुनिया ते अपने बच्चे नू मेरा कलाम पढ़ाया सी इन्दे बच्चे ने कलाम पढ़िया वे अज मैं दे बच्चे नू हुक्म दियांगा आया कुरान तू पढ़दा जा जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दा जा कुरान कुरान उची बोल कुरान कुरान पढ़ता जा जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़ता जा जिते कुरान दी वरनास्ते कुरान मुकम्मल करेगा ओही जन्नत दे अंदर तेरा मकाम रख दियांगा जनाबे वाला कुरान कोई मामूली चीज नहीं है कुरान दे नाल मुहब्बत करन वाले हो सुनो अगर आज तेरा बच्चा रब दा कुरान पढ़दा है अल्लाह दा नबी है ना जनाबे ईसा रूहुल्ला आप टुरदियां टुरदियां एक कबर गुस्तान दे विचो गुजरे ने आपने वेखिया उते कबर वाले नु अजाब हो रहा है जनाबे वाला कबर वाला अजाब दे अंदर मुब्तला है अल्लाह दे नबी टुरदियां टुरदियां अगर सफर कर गए जदों वापस मुड़ के आए ने वेखिया कबर ओही है जगह ओही है लेकिन मामला और है मामला मामला अगे अजाब हो रहा है हुण जन्नत दा बाग है हुण कबर जन्नत दा बाग है हुण कबर जन्नत दा नजराना भी पेश कर दिए जनाबे वाला अल्लाह दा नबी जनाबे ईसा रूहुल्ला अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने या अल्लाह की माजरा है हुने अजाब हुण जन्नत दा बाग अल्लाह फरमाया जिब्राइल जा मेरे नबी नु दस गया मेरे नबी नू दस गया ए बंदा जद मरिया गुनाहगार सी जद मरिया बोलो गुनाहां दे अंदर डुबिया सियाकार ते जनाबे वाला मर गया इनू गुनाहां दी नहुसत दी बदौलत सदा मिलदी पई है लेकिन अपनी बीवी हामला छड़ के आया इनी बीवी दे हां बच्चे ने विलादत पई है विलादत पाण तो बाद ओ बच्चा अज बोलण दे काबिल होया मां ने उंगली पकड़ के मदरसे या मस्जिद च बिठाया ते उस्ताद ने पढ़ाया की पढ़ाया बिस्मिल्ला सारे पढ़ोगे ते मेरे दिल नू खुशी हो जाएगी पढ़ा बिस्मिल्ला हिर रहमा निर रहीम आखिया उस बच्चे ने उस बच्चे ने उस बच्चे ने अपनी तोतली तोतरी ते मिठी मिठी जबान दे अंदर मैं अल्लाह नू रहमान आखिया
रहीम आखिया जनाबे वाला अल्लाह फरमाया रूहुल्ला सुन ले बच्चे ने रहमान ते रहीम आखिया उसी रोही जमीन ते उसी धरती दे उते मैं उन्दे प्यो नू किन अदाब दिया जिंदा बच्चा मेनू रहमान ते रहीम आके मैं किवें अजाब दिया ओए बच्चे ने पढ़िया है अल्लाह ने उस बच्चे दे पढ़न दी बरकत दे नाल जनाबे वाला उंदे बाप नू अजाब तो निजात दे के जन्नत दा बाग अता फरमा दिता है। अज अगर तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा अज अगर मेरा बच्चा अगर तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा अगर मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा जनाबे वाला अगर आज बच्चा कुरान दी तालीम हासिल करेगा आज जनाबे वाला अल्लाह दी कसम है कुरान पढ़ के तबे अगर तेरा बच्चा कुरान पढ़ जाएगा तेरी कब्र ते खलो के कभी सूरत यासीन पढ़दा होएगा कभी सूरत रहमान पढ़दा होएगा कभी सूरत मुजम्मिल पढ़दा होएगा कभी सूरत मुदस्सर पढ़दा होएगा कभी सूरत फातिहा पढ़दा होएगा कभी सूरतुल बकरा पढ़ता होएगा ऐ पढ़ना है दा कमे ते जन्नत च भेज देना रब्बुल आलमीन दा कमे जन्नत च भेज देना रब्बुल आलमीन दा कमे कायनात दे लोगो सुनो अल्लाह दा वास्ता जे ऐ रब दे उस कुरान नाल मुहब्बत करन वाले बन जाओ रब दे उस कुरान नाल प्यार करन वाले बन जाओ रब दे उस कुरान नु सीने नाल लाण वाले रखण वाले बन जाओ क्योंकि ओ रब दा कुरान है अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब नु ए कुरान अता फरमाया अल्लाह दी कसम है ए कोई आम किताब नहीं है ओ किताबे अगर मेरा नबी मक्के कुरान भी अगर मेरा नबी मदीने कुरान भी अगर मेरा नबी गारे रात अंदर मौजूद है रब दा कुरान अगर मेरा नबी मक्के मौजूद है रब दा कुरान अगर मेरा नबी मदीने मौजूद है रब दा कुरान है कि नहीं मक्के ते मदनी मक्की ते मदनी सूरत है कि नहीं जेड़िया मक्की ने वो मक्के जेड़िया मदनी ने वो मदीने पाक दे अंदर जनाबे वाला सुनो नबी दे गुलामो मैं एवें गल नहीं करन लगिया अल्लाह दी कसम है जनाबे वाला अल्लाह ने मेरे नबी नो और रुतबा ते शाना ता फरमाइया ते रब ने एक कुरान दा ओ अजीम मौजा तेरे ते मेरे नबी नो अता किता फरमाया कयामत दी सुबह ती करे मौजा खत्म होने वाला खत्म होने वाला नहीं है क्यों इस बिना ते आखिया कयामत आ सकती है कुरान मिट सकदा कुरान मिट सकदा कुरान खत्म हो सकदा नहीं जनाबे वाला फिर आज वादा करो मेरे नाल बैके असी रोजाना रब दा कुरान पढ़ांगे असी रोजाना आवाज थोड़ी है ऐते मैं मुंडो तेरा शुरू कर देनी है तकरीर फिर मैं पीछा टूट जाना इंशाल्लाह रोजाना रब दा कुरान उची कहो इंशाल्लाह रब दा कुरान पढ़ांगे क्योंकि इंदे पढ़े ते निजात मिलनी है इंदे पढ़े ते बरकत मिलनी है इंदे पढ़े ते अल्लाह ताला ने साडे दुख दूर करने ने अल्लाह ने साडे गम दूर करने ने अल्लाह ने साडियां तकलीफां दूर करनियां ने जनाबे वाला कुरान ओ अजीम किताब है कुरान ओ मेरे नबी दा जिंदा मौजज़ा है ज़ालिकल किताब ला रैब फी जिसके अंदर कोई शक नहीं साडी जिंदगी दे तमाम तर मामलात जनाबे वाला मैं इस मिसाल लो इस अंदाज पेश कर देना आज असि एक मोबाइल खरीदी है ना मोबाइल के अंदर एक कार्ड होता है गारंटी कार्ड उते लिखे होता है अगर असि एक बल्ब भी खरीदी है दुकान तो उते लिखे होता है जनाब अगर इस तरीके नाल चलाओगे असि वापस भी लावांगे एक साल के अंदर खराब हो गया तो असि जिम्मेवार लिखे होता है अगर मोबाइल इन खराब हो गया तो मोबाइल तुसी तब्दील कर सकते हो तो जे साड़ी मर्जी तो हट के होया तोड़ दिता पत्थर मार दिता फिर साड़ी गारंटी यही रब ने कुरान गारंटी भेजी है साड़े ना जे कुरान ते चलेगा बे कुरान ते चलन तो मुराद जिवें कुरान ने दस्या उवें चलेगा इहदे हलाल नू हलाल इहदे हराम नू
हराम समझेगा, इंज जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ने गारंटी दी है फिर कुरान तेरे नाल होएगा, मैं तेरे जन्नत अता कर दियांगा। कदी फरमाया जुमे का दिन आवे तो सूरत उल कह पढ़, कदी आख्या इशा का टाइम होवे तो सूरत मुल्क पढ़। बोला क्यों? फरमाया कि ओ चीज़ है जदों कयामत का दिन होएगा ना, अल्लाह की बारगाह के अंदर यह झगड़ा करेगी सूरत मुल्क। की करेगी झगड़ा? किस ना करेगी। मौला या मैनू इस कुरान तो खत्म कर दे या मेरे पढ़ने वाले नू जन्नत अता कर दे। एडे मुखलिस साथी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे है।